नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण मुस्मी प्रथम हेडलाइंस नवरंगपुर हटहटा दुई बीजेडी नेता उद्घाटनी कार्यक्रम बेले संजय दास वर्मा और बबी दास को घेरिले चाषी आज सुधा मंडी धान उठा प्रतिश्रुति छाड़े बाट झराफुल मृत्यु सस्पेन्स्रु के उठ परदा गेस्ट हाउस तीन कर्मचारी जरा आज पुणी सीन रिक्रिएसन राकेश को भुवनेश्वर नहीं पारे कुआखिया पुलिस फोकस रे पूर्व दयरे ओडिशार सड़क क्रांतिर सूचना भारतमाला प्रकल्प सह हेबो ओडिशार विकास केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का प्रतिक्रिया पारादीप बडबिल 300 किलोमीटर हेबो 8 लेन लेउटिला स्थित 24 घंटा जाड़े थरिबो ओडिशा 16 जिला को शीत लहरी पर येलो वार्निंग जारी 10 डिग्री तापमात्रा तले 10 सहर एवं आज श्रीमंदिर बनकलागी नीति पारंपरिक रंग में महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार अपराह 4 रात्रि 8 पर्यंत साधारण दर्शन बंद देखिबा संपूर्ण खबर केन्द्रापड़ा पर नवरंगपुर हटहटा योजना बोर्ड अध्यक्ष संजय दास वर्मा उद्घाटनी कार्य जाए घेरिले चाषी रायगढ़ ब्लॉक आरएमसी कार्यालय सूचना कृषक सूचना केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम रही संजय दास वर्मा और बीजेडी संगठन संपादक प्रणव प्रकाश दास कार्यक्रम में जोगदेवार हेले नेता पहुंचा पूर्व शह शह चाषी सेठे पहुंची होहला करते धारणा बसवा सह संजय दास वर्मा और बबी दास को विरोध करते बीजेडी दुई नेता उद्घाटन कार्यक्रम को छाड़ नाषी मंडी हजार हजार क्विंटाल धान पड़ रही बेले सूचना केन्द्र का स्वार्थ बोली प्रश्न करते चाषी चाषी को विरोध में बीजेपी भी सामिल होता हेले दुई नेता चाषी कथा शुणा परिवर्ते जोर जबरदस्त धसई पशी उद्घाटन करते जहाँ उत्तेजनामूलक परिस्थिति देखादेला पर पुणी कार्यक्रम पर संजय दास वर्मा बुधवार संध्या सुधा चाषी समस्त धान उठाबार प्रतिश्रुति देवार चाषी मैंने शांत पड़े तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ना प्रतिनिधि सुमित घंट सुमित पूरा अपडेट सह अधिक घटना कौन रही किभली भाव से घटना घटी एवं पूरा अपडेट कौन रही है निहाति भाव देखूँ विस्मी ये जो घटना हूँ गत काली संध्या समय घटना ये जो घटना काली जो गोटे रायगढ़ ठारे अनुष्ठित होता बीजेडी रो गोटे मिश्रण पर्व अनुष्ठित होता सेठी गोटे प्रकार कहवा सेठी बीजेडी तार पूरापूरी भाव में गोटे मिश्रण पर्व आयोजन करते परे परे जो गोटे नवरंगपुर स्थित आरएमसी कार्यालय परिसर में एक कृषक सूचना केन्द्र उद्घाटन करार जो कार्यक्रम रही सेठारे जो संजय दास वर्मा राज्य योजना बोर्ड उपाध्यक्ष थिले से पहुंची थिले जो राज्य सांगठनिक दायित्व जी अच्छा संपादक जी थिले प्रणव प्रकाश दास पहुंची थिले शताधिक जो कर्मी बीजेडी रही पहुंची थिले किंतु से जो सूचना केन्द्र को प्रति जो उद्घाटन करने देवा पूरापूरी मना कर दे चाषी कहीं दीर्घ दिन धरी मंडी में धान पड़ रही राजरास्तार केतबेले चाषी उल्लौंट केतबेले लेंथ को ताल पकाउंट घेराव करती जदि धान उठूना मंडी धान उठूना जदि चाषी समस्या जदि शुणुना कहीं जो कृषक सूचना केन्द्र उद्घाटन करा गोटे प्रकार प्रश्नवाजी प्रश्न आनी जो कृषक रही थे कृषक मान बीजेपी सामिल था कांग्रेस किसी नेता सामिल थे जो शताधिक चाषी थे से माने जो विरोध करते संजय दास वर्मा और प्रणव प्रकाश दास को सीठे धारण में बसिकी से जा जो रही थे संजय दास वर्मा सी जहाँ कही कि गोटे दिन भितर समस्त जो मंडी रही समस्त मंडी जो धान रही धान को उठा प्रतिश्रुति परे परे जो घटना चाषी मानू से गोटे प्रतिश्रुति 24 घंटा मध्य धान उठा परे परे चाषी जो चाषी थे से माने थंडा पड़ते जो ये घटना पूरापूरी भाव में जो कह पूरापूरी गोटे चाषी को गोटे मारणानीति चली से जहाँ कही जो चाषी मान आंदोलन दीर्घ दिन धरी नवरंगपुर में देखा मिली केत राजस्तार चाषी आसत लेम घेराव करु गत कालीर जो कार्यक्रम रखी जो यु कार्यक्रम रखी पूरापूरी भाव में विरोध करते संजय दास वर्मा और प्रणव प्रकाश दास को से जो कार्यक्रम मानने जो उद्घाटन समारोह समावेश पहुंचा को विरोध करते
किंतु सुमित जहाँ सूचना मध्ये रहिथिला कि संजय दास वर्मा बुधवार सुधा अर्थात आज सुधा चाषी समस्त धान उठाबार प्रतिश्रुति देवर चाषी मैंने शांत पड़ते किंतु तापर समस्त नजर रही कि से जो प्रतिश्रुति देते प्रतारण रूप न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आप समस्त सूचना पर। आम चाषी झाल भुआ पैसा सूचना केन्द्र होती आज पर्यंत चाषी नवरंगपुर जिले में धान उठी पारा ना ये धान न उठला पर्यंत आम ये उठवार ना कौन उठा आज जो आसुचार उद्घाटन करने सूचना केन्द्र फास्टे चाषी समस्त धान उठब आम चाषी भाई जो बसीचु उठला जाटा इनागुरेसन इनागुरेसन जरूरी कि ना यहाँ झाड़ बुआ धन बिल्डिंग चाषी मुंड्र झाल टुंड्रे जो कर धान धन सूचना केन्द्र उद्घाटन करने गुरुत्व ना कौन सी धान मंडी पड़ब ना एवं ये जो चाषी ना बीजेपी दल नेता माने जो राजनीति कर आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि करने को चेष्टा करचार कर झरफुल मृत्यु घटना रे पुलिस छानबीन मंगलवार गेस्ट हाउस रो तीन कर्मचारी को जेरा करछु पुलिस कुआख्या पुलिस राकेश को रिमांड रे नेबा परे प्रथमे तीन घंटा धरे माराथन जेरा करथला परे सीन रिक्रिएशन पाई राकेश को झरफुल मृतदेह को फिंगिथिबा स्थान को नेथला पुलिस हेले राकेश जगह चिन्हट करि पारि नथिबारु स्किन जहाँ सीन रिक्रिएशन होइ पारला नाही तेबे रिमांड रो प्रथम दिन रे गेस्ट हाउस रो दुई जन महिला एवं जने पुरुष कर्मचारी को कुआखिया पुलिस थाना को डाकि पचराउचरा करी छाड़ देछि। तेबे आज राकेश को पुनर्वास सीन रिक्रिएशन पाई पुलिस भुवनेश्वर नेपार बोली जना पड़िछे। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे पारादीप बोडविल 300 किलोमीटर रास्ता हेबो 8 लेन सूचना देले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सह आलोचना पर निष्पत्ति पीएम को पूर्वोदय स्वप्नर बड़ योजना कोस्टाल हाइवे पारादीप्रु बोडविल दीघारु गोपालपुर को जोड़ा जिबो भुवनेश्वर री रोड उपरे मध्य आलोचना एनएच 49 मध्य 4 लेन विशिष्ट हेबो खनिज कारबारे अनेक संभावना आनिबो प्रस्तावित पारादीप बोडविल राजपथ सहयोग प्रतिश्रुति देले मुख्यमंत्री ओडिसा रो विकास हेबो केंद्र सरकार को फोकस पूर्वदरे लाभवान हेबो ओडिसा भारतमाला परियोजना रे कार्य त्वरान्वित हेबो दीघा गोपालपुर उपकूल राजपथ प्रकल्प को त्वरान्वित करबा दिगरे आउ दुई पाद आगो को जाईछि प्रक्रिया आउ केंद्र सरकार को ड्रीम प्रोजेक्ट को जाउथिबा दीघा गोपालपुर उपकूल राजपथ पई ओंटा भिड़िछंती उभय केंद्र और राज्य सरकार आउ एही क्रमरे आज ओडिशार विभिन्न प्रकल्प उपरे आलोचना होई राज्य मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी धर्मेन्द्र प्रधान भिके सिंह और प्रताप षडंगी मध्यरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे एनेय आलोचना होई आउ आलोचना रे पड़ी रही प्रकल्प गुड़िक किपरी आगेबो एने जमी अधिग्रहण और आनुषंगिक अनुमति राज्य सरकार सहयोग जोगाई देबे बोली मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देइथिबा कथा कहिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जार दायित्व एनएच आउ एनएचआई पाखे अच्छे तार त्वरित संपूर्ण पाई आग्रह रखी थे अनुरोध रखी थे विशेष करके केउंझर जिला मयूरभंज जिला जाजपुर जगत सिंहपुर जिला ए अंचल बालेश्वर जिला ए अंचल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्जिस्टिंग एनएच गुड़िक अच्छी तार शीघ्र कंप्लीशन हो परदीप बोडविल 300 किलोमीटर रास्ता 8 लेन विशिष्ट करा जिवो एतिपय निर्देश दैछंती केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री और केंद्र सड़क परिवहन मंत्री को आलोचना परे ए निष्पत्ति होइतबा सूचना दैछंती केंद्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती केउछरु खनिज द्रव्य परिवहन रे विशेष भूमिका ग्रहण करिवो एहि रास्ता सेपरी कोस्टल हाईवे पई राज्य सरकार समस्त सहयोग करिवे एतिपय मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देथिबा कहिछंती केंद्र मंत्री सातपड़ा जाय कोस्टल हाईवे करबा को निष्पत्ति होईछि
राज्य एनओसी देले खूब शीघ्र टेंडर हेबो। पूर्वधर विकास रे भारतमाला प्रकल्पर परिकल्पना जथेष्ट गुरुत्व रहिछि। दीघारु गोपालपुर पर्यंत भारतमाला रो परिकल्पना रे जमी अधिग्रहण पाई परिवेश को ध्यान रे रखी प्रस्ताव गृहीत होइछि। फोर लेनिंग ऑफ पानी कोइली रेमुली, फोर लेनिंग ऑफ रेमुली कोइडा सेक्शन, फोर लेनिंग ऑफ सिंगडा विंजोबहाल सेक्शन ऑफ एनएच 49, विशाखापट्टनम रायपुर रास्तार ओडिशा सरकारंकर किछि अपेक्षा, ये सब गुड़िक आलोचना कर जाइथिला। पुरी भुवनेश्वर को बड़ महत्वाकांक्षी रास्तारे परिणत करबा पई ता उपरे भी आलोचना कर जाइथिला। आज सब प्रकार प्रश्न भी उठिथिला। जमी अधिग्रहण गोटे महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री आज प्रतिश्रुति देइछंती राज्य सरकार तरफ जो भी प्रकार सहयोग आवश्यकता हबो, केवल जमी अधिग्रहण पाई नुहे, जमी अधिग्रहण रे पार्टनर भी हेबे, सबु प्रकार अनुसंगिक अनुमति को भी प्रदान करबा पई स्वयं मुख्यमंत्री निजे तदारक करिवे, ए प्रकार से प्रतिश्रुति देछन्ते। परदीपरु बडबिल, दिखारु गोपालपुर को जोडा जीव, ए दुई रास्ता राज्य तथा देशर अर्थनीति अभिवृद्धि रे सहायक हेबो बोली कहिछन्ती केंद्र मंत्री। यस बैठक रे भुवनेश्वर रिंग रोड उपरे भी आलोचना होइथिला। राज्यर पाणिकोइली रेमुली रास्तार चारि लेन सह एनएच 49 मध्य चारि लेन विशिष्ट करबाकु बैठक रे निष्पत्ति होइछि। दिल्लीरो गगन विश्वांग रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रे तारीख घोषणा होछि मे 4 रो जून 11 जाय चालिबो सीबीएसई परीक्षा। दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा मे 4 रो जून 7 पर्यंत चालिबा कोथिबा बळे जून 11 तारीख पर्यंत द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा चालिबो। दशम परीक्षा ओडिया कन्नड रो आरंभ हेबो, सेपरि इंग्लिश रो द्वादश बोर्ड परीक्षा आरंभ हेबो। दशम बोर्ड पई गोटिए शिफ्ट रे परीक्षा हेबो, दिन 10:30 रो गोटाए 30 चालिबो परीक्षा। सेपरि द्वादश परीक्षा दुईटे शिफ्ट रे हेबो, द्वादश परीक्षार प्रथम शिफ्ट दिन 10:30 रु गोटाए 30 एवं द्वितीय शिफ्ट 2:30 रु 5:30 पर्यंत चलिबो। परीक्षा नै ट्वीट करी सूचना दैछन्ते केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। मुझे भरोसा है कि आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी में जुटे होंगे। जैसे कि पहले भी कहा था कि 4 मई से परीक्षाएं सुनिश्चित थी, तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी, तो वो असमंजस हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था कि आप थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा ताकि आप स्थिर तरीके से अपनी तैयारियों को कर लें। मुझे आशा है कि इस समय का आपने बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं 4 मई से हैं। पीछे के समय में मैंने ये भी कहा था कि सौदे की एक सेमिनार, मैंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 तारीख को आपको आपका जो विस्तार पूर्वक विषयवार तिथिवार कुछ आपको डेट शीट भी उपलब्ध करा सकें। और मुझे कहते हैं कि डेट शीट आपको मिल रही है और इसमें बहुत कोशिश की गई है कि आपकी विषयों के बीच जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बीच समय को थोड़ा सा अंतर हो ताकि आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका मिल सके और आप तनाव मुक्त रहें। नयागढ़ ओडगाँ ठारे माछ बोझेई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। ओडगाँ रघुनाथ जीव महाविद्यालय सम्मुखें द्रुत गति से आसुथिबा एक माछ बोझेई गाड़ी कार को धक्का दे ओलटी पड़ा, फलरे गाड़ी थिबा सब माछ रास्ता उपरे बिछे पड़ा। घटनास्थल में ओडगाँ पुलिस पहुंची रास्तार माछ मानक उद्धार करबा सह दुर्घटनाग्रस्त दुईटे गाड़ी को जबत करथिला। ओडिशा दक्षता विकास विभाग मुख्य सुब्रत बागची विषमकट गस्त कर प्रथमे क्रिश्चियन हॉस्पिटल परिदर्शन करते। हॉस्पिटल समस्त वार्ड बुली देखा सह रोगी और नर्स मानक विस्तृत भाव में आलोचना करते।
ପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଟିଆଇ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଗ ପରିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଷମ କଟକଠାରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ, ଖସୁଛି ପାରଦ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପରଦ କମ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 10 ସ୍ଥାନର ପରଦ। ତେବେ 4-4.5 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସହ ଜି ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 7.8, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ 8.2, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବାରିପଦାରେ 9.6, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 8.5, ସୋନପୁରରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13 ଏବଂ କଟକରେ 11.8 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକଲାଗି ରୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଧନରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, ନାଲି, ଧଳା ଏବଂ କଳା ଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:00 ରାତ୍ରି 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବନକଲାଗି ନୀତି ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ରାଗିଂ, ସିନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଖାହେଲେ ପାୱାର, ଘରେ କଥା କହିବାରୁ ରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରା ଦେଖାଇ ପରିବାରକୁ କାହିଁକି ରୋକାଗଲା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲେଜରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ରାଗିଂର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଗି, ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ରୁମ୍ରେ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦ। ରାଗିଂ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦିନ 10:30 ରୁ 2 ଯାଏଁ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେହେରାମଲ GNM ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ସିନିୟର। ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଜଣାଇଲେ ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମା। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ହେଲା କ'ଣ? ରାଗିଂ କରିଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 30 ତାରିଖ ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗଲି, ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା, ପୁଣି ଆମ ସିନିୟର ମାନେ କହିଲେ କି ଆଜି ରହିଯିବ, କେହି ଯିବନି, ଗୋଟାରେ ଏକ୍ଜାମ ସରିଥାନ୍ତା, ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ରହିଯାଅ, ମିଟିଂ ସରିଲେ ଯିବ। ହେଲେ 4:30 ବେଳକୁ ମିଟିଂ କଲେ, ପୁଣି ସେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି। ମୋତେ ଆସ୍ଥମା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମମି ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି। ସାର୍ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ରହିଲି। ପୁଣି କହିଲେ କି ତୋର କେତେଟା ସମୟ ଅଛି ଯେ ତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ସେ ଦିଲେଶ୍ୱରୀ ବାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିତା ମାଝି ନାଁର ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ସେ କହିଲା କି ତୋ ମୁହଁରେ କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚି ମାରିକି ତୋତେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇଦେବି। ସେ କଥା ଯାଇକି କାଲି 31 ତାରିଖ ମୁଁ ମମିକୁ କହିଲି କି ମୋତେ ଏମିତି ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମମି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ କଲ୍ କରିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେନି। ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ କି ଆସିକି କଲେଜରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ କଲେଜକୁ ଗଲି, ମୋତେ କହିଲା ସିଦ୍ଧି ଗାୟତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲେ କି ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ମମିକୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍, କଲେଜରେ କିଛି କଥା କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି,
ଓଲଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ସାର୍ କହିଲେ କି ତୋ ମମିକୁ ଡକା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, ପୁଣି ବାପା ମାଆ ଯେମିତି ଆସିଲେ ମୋତେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସାର୍ କହିଲେ କି ତୋ ବାପା ମାଆ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ସେଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସିରେ ରୁହନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା, ଏବେ କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ। ସେହି କଲେଜର ସ୍କୁଲ ସହପାଠୀ ତଥା ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରେ ଖବର କହିବାରୁ ତଦନ୍ତ ବଦଳରେ ଓଲଟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ କଲେଜକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାର ବାହାନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ସେଥି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିୟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିଲେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିତା ମାଝି। ଉପର ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଉପରୁ ଭିତର ପାଟି କରୁଛି, ଖୋଲ ଖୋଲ, ମୋ ମମି ଆସିଛି ମାନେ ମୋତେ ଖୋଲ, ମୁଁ ଯିବି। କେହି ଖୋଲିଲାନି, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲିଲେ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧକା ଦେଇକି ଧକା ଫକା ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସି ସିଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ହେଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ସୁପ୍ରିୟା ଆସିକି ମୋ ହାତ ଧରିଦେଲା। ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଅଫିସ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଲି ତଳେ, ଆଉ ମୋ ମମିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ପୁଣି ମମି ଆସିକି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ସବୁବେଳେ ମିସ୍ବିହେଭ୍, ତୁ ବେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଗାଳି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ଯଦି କେହି କିଛି କହିବନି ତାହେଲେ ତୁମର କରିଅର ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, ତୁମକୁ ଏମିତି କରିଦେବି, ତୁମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମକୁ କେଉଁଠୁ ଜବ୍ ମିଳିବନି। ହଁ ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି। ମୁଁ ହଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇ କଲେଜରେ ସବୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଇନ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛି କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଛିନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ସେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ତାଠୁ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଛିନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ପଶିବାକୁ ଦେଲେନି, ତାକୁ ଠକିଲେ, ତ ମାମି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଟଣା ଉତରା ଯେଉଁ ସିନିୟର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହମତିରେ, ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଟର୍ଚର କରାହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଇପିସି ଧାରା 342, 294, 506 ଓ 34 ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ ତେବେ ଏହା ସାଂଘାତିକ। କଲେଜରେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି କି ରାଗି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନା ନିଜେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମସ୍ତ ଅଡ଼ୁଛି ବୁଲେଟିନ୍ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।